बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तराखंड प्रदेश को लेकर बड़ा बदलाव किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी प्रदेश के हटाकर नए नियुक्त कर दिए गए। जी हां, आपको बताने की कोशिश करूं तो उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तराखंड हुआ करता था, लेकिन इसके 2000 के बाद, ये गठन होने के बाद, बहुजन समाज पार्टी यहां पर एक समय काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती थी और खासतौर से हरिद्वार जो जनपद है उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी का काफी बड़ा कारवा था, काफी बड़ा मजबूत उसको माना जाता था और काफी ज्यादा सीटें भी यहां पर अधिकांश सीटें जीत कर आई थी और 50% से भी ज्यादा वोट अकेले अपने दम पर हासिल किए थे, तो वो काफी महत्वपूर्ण था। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी के अंदर यहां पर जो विकराव होता गया और उसके बाद संगठन है वो कमजोर होता चला गया। इस बार उत्तराखंड के अंदर एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने बड़े स्टेप लिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने यहां पर अपने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जैसे दो महत्वपूर्ण जो पद है उनको, जो पहले जो लगे हुए थे उनको हटाकर अब नए नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर नरेश गौतम को है वो प्रदेश अध्यक्ष लगाया, यानी उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष है वो नरेश गौतम होंगे और ये नरेश गौतम जो है मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले और उत्तराखंड के अंदर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा यहां पर प्रभारी की बात करें तो मुनकाद अली को लगाया गया है जो कि पहले राजस्थान सहित कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, तो इन दोनों को लगाया गया। बताने की कोशिश करूं तो वो 2002 की बात है जब बहुजन समाज पार्टी ने 9 में से 5 सीटें यहां पर हरिद्वार जनपद में अकेले जीती थी और उस समय ऐसा लगा था कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले दिनों के अंदर काफी बड़ी पार्टी है, वो हरिद्वार की बनकर उत्तराखंड की बनकर उभरेगी। लेकिन धीरे धीरे समय का अनुकूल या समय जैसे जैसे चलता गया उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यहां पर कमजोर होती चली गई और 2012 के बाद तो लगातार यहां पर प्रदर्शन है वो गिरा और यहां पर फिर 3 विधायक जीत कराए, उनमें से भी 2 कांग्रेस में चले गए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी अभी संघर्ष से हालात से जूझ रही है। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आप चले लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।